नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। ग्रामीणों की समस्या सुनने के लिए पहुंचे कांग्रेसी नेता विवेक नारायण मिश्रा। कन्नौज NH-51 हाईवे का काम शुरू है। ऐसे में जहां लोगों को खुशी मिलती दिख रही, वहीं कुछ ग्रामीण क्षेत्रों की जनता नाखुश दिख रही है। नाखुश दिखने की वजह है कि अंडरपास या सर्विस रोड न मिलने से ग्रामीणों को कोसों दूरी का सामना कर अपने स्थान पर जाना पड़ेगा। सिकरा में जनपद कन्नौज के फतेहपुर जसोदा के लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि हाईवे की ओर एक छोर पर उनका गांव है तो दूसरे छोर पर बच्चों का स्कूल है। ऐसे में ना तो उनका अंडरपास दिया गया और ना सर्विस रोड। इसी वजह से पिछले कई महीनों से ग्रामीण अधिकारियों के चक्कर लगा रहे। जब अधिकारियों ने इनकी नहीं सुनी तब इन्होंने कांग्रेसी नेता विवेक नारायण मिश्रा से न्याय की उम्मीद लगाई और ग्रामीणों ने मौके पर बुलाकर कांग्रेसी नेता को सारी समस्या से अवगत कराया, जिसके बाद कांग्रेसी नेता ने आश्वासन दिया कि इस संबंध में जिले के आला अधिकारियों से मिलकर इस समस्या का निस्तारण करेंगे। कन्नौज से सीबू सैनी की रिपोर्ट। चाची कहाँ रहती हैं? फतेहपुर जसोदा। आज क्या है, क्यों आप लोग? ये है भैया, हमारे सर्विस रोड की समस्या है। हमने इसीलिए आपको कांग्रेस के नेता को बुलाया और हमारे बारह बारह बच्चे और जो कहें हम लोग धंधे हैं गांव में, कैसे निकले? पानी भी निकलने को नहीं जगह है। हम लोग एक साइड तो उन्होंने सर्विस रोड दी है, तो एक साइड दी है, आधा गाँव कवर कर लिया, आधा गाँव इधर ऐसे ही पड़ा है। मतलब आधा सर्विस रोड दिया है, आधा नहीं दिया है। हाँ, तो उससे हम कैसे मान लो मेरी समस्या जाए हल की जाए। इसीलिए मैंने कांग्रेस के नेता को बुलाया। तो अब वो क्या कर रहे हैं? अब आए हैं, हमें चाहिए रास्ता। कहाँ का मामला है ये? फतेहपुर जसोदा। जसोदा में जो सर्विस रोड करीब 200 मीटर की थी दोनों तरफ, वो पक्की नहीं कर रहे थे। उसी को लेके ग्रामीणों की बात की तो उसी के लिए आना हुआ। तो अभी बात भी हुई इनके जेई वगैरह से, तो उन्होंने कच्ची रोड, कच्चा सर्विस रोड देने के लिए राजी हो गए हैं। तो अब आगे की बात फिर इनके अफसरों से करी जाए। ग्रामीणों का कहना है कि आधे गांव तक सर्विस रोड दी है और आधे गांव तक सर्विस रोड नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात ये है कि रोड हाईवे जो बन रहा है उसके दूसरी छोर पर बच्चों का स्कूल है, स्कूल के लिए भी अंडरपास नहीं दिया। तो ऐसी स्थिति में किस तरीके से बच्चे अपनी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे? बच्चे शिक्षा प्राप्त करने की सरकार क्या ही कह रही है? सरकार तो मनमानी कर रही है। वैसे अगर अफसर कर रहे हैं तो कौन बड़ी बात है कोई है। तो इस आपकी जायज ग्रामीणों की है, लेकिन अब थोड़ा सा ये वही बात करी है, आगे अफसरों से बात करेंगे। थोड़ा सारा प्रोजेक्ट बन गया उनका है, लेकिन इतने प्रजामंद हुए कि हम इसको कच्चा कर देंगे। कच्चा हम ये जो सर्विस रोड की बात इनकी है स्कूल की या इधर की, वो कच्चा रोड बनाने के लिए रजामंद हो गए हैं। तो जिस भरोसे के साथ आपको ग्रामीणों ने यहाँ तक बुलाया, क्या आप उच्च अधिकारियों तक ये बात रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। और भी फिलहाल तो इतनी बात बिल्कुल तय हो गई है कि इसको ये कच्चा बना देंगे। अब इसमें कच्चे को पक्का होने की बात है, वो आगे अफसरों से बात करी जाएगी। कहाँ का मामला है? जसोदा का। और बाकी हमारे साथ ये सत्येंद्र और ये जमील हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं। ये ज्यादा और अगर पूरी बात चाहिए हो तो आप इनसे पूछिए। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24।